नमस्कार दोस्तों, लकड़ी से बनी है 100 साल पुरानी ये साइकिल 50 लाख रुपए लग चुकी है कीमत। पंजाब के लुधियाना जिले में 100 वर्ष पुरानी लकड़ी व लोहे की साइकिल मौजूद है। भारत विभाजन से पहले की ये साइकिल जिसका मूल्य 50 लाख रुपए तय हो चुका है। दोस्तों, साइकिल के कई रूप लोगों ने देखे हैं, जैसे गियर वाली साइकिल, रेसर साइकिल, घरेलू साइकिल, लेकिन लकड़ी की साइकिल वो भी 100 साल पुरानी ये हैरत की बात ही नजर आती है। खास बात ये है कि तब साइकिल चलाने के लिए भी सरकारी अनुमति लेनी होती थी और उसका बकायदा लाइसेंस बनता था। आज हम एक ऐसी ही साइकिल के बारे में आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन से भी पहले की लकड़ी व लोहे से बनी साइकिल करीब 100 वर्ष पुरानी ये एक अनोखी साइकिल है जो देखने में अद्भुत है। शायद पंजाब में एक ही ऐसी साइकिल होगी जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस अनोखी साइकिल को खरीदने के लिए किसी ने इसका मूल्य 50 लाख रुपए लगा दिया था, मगर इसके बावजूद भी इसे साइकिल के मालिक ने नहीं बेचा। साइकिल के मालिक सतविंदर बताते हैं कि साइकिल को उनके पूर्वजों ने पास के गांव के रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी से खरीदा था। साइकिल को चलाने के लिए उस समय लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था, जो इस समय भी उसके पास मौजूद है। ये लाइसेंस उनके ताऊ जी के नाम पर था। देखने वाले जब भी इसे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा भी कोई साइकिल होती है। खास बात यह है कि इस साइकिल से अभी भी सवारी की जा सकती है। सतविंदर की माने तो इस साइकिल को खरीदने के लिए विदेश से एक व्यक्ति आया था जिसने साइकिल का मूल्य 50 लाख रुपए लगाया था, मगर उन्होंने इसे नहीं बेचा क्योंकि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस वायरल खबर के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें।